गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, नाउ वी कम टू द टॉपिक फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करेंट। जैसे आप लोग देखते हो, अगर दो कंटेनर्स में पानी है तो द वाटर इन द कंटेनर एट हायर लेवल विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द वाटर एट लोअर लेवल। मीन्स पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर के कंटेनर में कम पानी है या ज़्यादा पानी है, वो जितना भी है वो ऑलवेज द फ्लो ऑफ वाटर इज़ ऑलवेज फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड हायर लेवल टूवर्ड्स द लोअर लेवल, और वो तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि दोनों कंटेनर्स का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। इसी प्रकार से When charge body is connected to an uncharged body through a conductor, the electric current flows until the two bodies are equally charged. तो ठीक इसी प्रकार से जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज तब तक फ्लो करते हैं जब तक कि दोनों बॉडीज का चार्ज इक्वल ना हो जाए। Now we come until the two bodies are equally charged. To make electric current move continuously in wire, you need an electric cell or a generator. तो electric current लगातार flow होता रहे, इसके लिए हमें wires को या तो cell से connect करना पड़ेगा और या फिर generators को use करना होता है। Now we come to lightning and thunder. What is lightning? Lightning means you might have seen that when the clouds come close to each other, the sparks of flashlight type sparks are seen in the sky. That is lightning. And during lightning, a huge amount of energy is released, and it heats up the air in its surrounding. So the lightning is the passage of electric current in air due to movement of electric charges is called electric discharge. तो ऐसा होते हैं कि जैसे clouds जो air में move कर रहे हैं, atmosphere में move कर रहे हैं, तो क्लाउड्स का जो लोअर सरफेस है उस पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं और जो क्लाउड्स का अपर सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं, है ना। जब तक वो एयर में फ्लो कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तब तक तो ना लाइटनिंग होगी और ना ही थंडर होगा। लेकिन किसी भी कारण से जब एक चार्ज क्लाउड के नीचे से या ऊपर से कोई दूसरा क्लाउड मूव करता है तो जो बीच में एयर गैप था जिसकी वजह से उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, इवन आफ्टर एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन इट्स लोअर सरफेस, वो जब नीचे से क्लाउड दूसरा पास होगा तो फॉर द सेकेंड क्लाउड इट्स अपर सरफेस विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर द क्लाउड दैट इज अबव द सेकेंड क्लाउड इट्स लोअर सरफेस इज एक्यूमुलेटेड इट्स एक्यूमुलेट्स द नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब दोनों क्लाउड्स एक दूसरे के संपर्क में पास से गुजरते हैं तो बीच का जो एयर जो इनो विच वॉज बैड कंडक्टर और जो लाइटनिंग और थंडर को रोक रहा था वो ब्रेक हो जाता है ना, और एयर का वो एयर का इंडक्शन एक तरह से इट इज़ इंसुलेटर, इंसुलेशन ऑफ एयर इज रिमूव्ड और इस वजह से निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लोट करता है, यानी देर इज डिस्चार्ज ऑफ द चार्जेस अमंग द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड देर इज अ ग्रेट डिस्चार्ज ऑफ द चार्जेस अमंग दैम एंड विच इज सो फास्ट दैट इट produces a large amount of heat energy in form of lightning. और ये जो lightning है ये क्या करती है कि lightning की वजह से उसमें इतनी 30,000
डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है ये लाइटनिंग, और इसकी वजह से उसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं और अचानक से इतना ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं जिसके बाद लाइटनिंग के बाद हमें थंडर साउंड सुनाई पड़ता है। नाउ चिल्ड्रन, इन दिस फिगर यू कैन सी दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द क्लाउड, मीन्स द पॉजिटिव एक्यूमुलेटेड पोर्शन ऑफ द क्लाउड एंड नेगेटिव एक्यूमुलेटेड पोर्शन ऑफ द क्लाउड, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द चार्ज ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड इट कॉजेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड अ लाइटनिंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू रैपिड मूवमेंट ऑफ द चार्जेस एंड इट प्रोड्यूसेस लाइटनिंग। इन दिस फिगर इट इज ऑलरेडी शोन यू, सो अ सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस लाइटनिंग। सो एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग कैन अकर नॉट ओनली बिटवीन टू क्लाउड्स बट ऑल्सो बिटवीन अ चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ। अब ये लाइटनिंग है सिर्फ दो क्लाउड्स के ही बीच में होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये लाइटनिंग अर्थ और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, ट्रीज और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, बिल्डिंग एंड क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, अक्सर सुने होंगे कि कहीं बिजली गिर गई, मकान गिर गया, बिल्डिंग नष्ट हो गई, पेड़ जल गए, फॉरेस्ट फायर, इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ दिस लाइटनिंग। सो इसमें होता क्या है कि जो हम लोगों की बिल्डिंग्स हैं और या ट्रीज़ हैं या हायर अल्टीट्यूड पे, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ एक्यूमुलेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होता है, और जब ये क्लाउड का लोअर पोर्शन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, एट द लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड नेगेटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड, सो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब पॉजिटिव चार्ज के क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है, लाइक विथ ट्रीज और बिल्डिंग्स और एट हायर अल्टीट्यूड्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और वही कहते हैं हम कि बिजली गिर गई, या कहीं पे अर्थिंग, कहीं पे तो पेड़ के थ्रू वो अर्थ में चला जाता है लेकिन इट कॉजेज डैमेज, पेड़ खड़े के खड़े जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स पे अगर ऐसा हो गया तो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी एंड इट विल कॉज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ बोथ। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन सम मेजर्स कैन बी टेकन, है ना, बट बिफोर दैट विल सी द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग, बिकॉज लाइटनिंग प्रोड्यूसेस टेम्परेचर अप टू 30,000 डिग्री सेल्सियस, सो इट कैन कॉज अ ग्रेटर डैमेज, सो इट कैन कॉज फायर एंड शैटर बिल्डिंग रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी, इट कैन बर्न ट्रीज एंड ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इट इंजर्स और समटाइम्स इवन किल्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इंस्टेंटली। नाउ नेक्स्ट इज द लाइटनिंग कंडक्टर, वॉट इज दिस लाइटनिंग कंडक्टर, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो बड़ी हायर एल्टीट्यूड बड़ी बड़ी बिल्डिंग मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती हैं, इन बिल्डिंग्स के ऊपर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर त्रिशूल या कुछ इस तरह की चीज़ें रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दी जाते हैं गिविंग सम डिज़ायरेबल शेप्स, और इसी को हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर एयर में होने की वजह से क्या होता है कि जब क्लाउड के निगेटिवली चार्ज पोर्शन उस लाइटनिंग कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में या करीब में पास में आता है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होता है, मीन्स द लाइटनिंग कंडक्टर कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड द लोअर सरफेस ऑफ क्लाउड कंटेन्स निगेटिव चार्ज, ये दोनों जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्ज होते हैं, पॉजिटिव कम्स टूवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव टेंड्स टूवर्ड्स पॉजिटिव,
एनी देर इज अट्रैक्शन और इतना फास्ट मूविंग फ्रिक्वेंट फास्ट एंड फ्रिक्वेंट मूविंग ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस लाइटनिंग, इसकी वजह से लाइटनिंग होती है। लेकिन अब ये लाइटनिंग जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर पे होके और तुरंत उसे अर्थ मिल जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा एंड इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द बिल्डिंग। सो लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज टू प्रिवेंट बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग ड्यू टू क्लाउड्स। Now children, we come to the next heading, that is safety measures to be taken during lightning. Lightning हो तो हम कैसे खुद को बचा सकते हैं या औरों को बचा सकते हैं या हमें क्या precautions लेना चाहिए, about that we will study. So when you are outside home, जब आप घर से बाहर हो और उस समय lightning हो गई तो क्या करेंगे? Take shelter under the building or inside the car, but never take shelter under a big tall tree. Do not lie flat on the ground. If you are in group, stay about 15 feet away from each other. Stay away from all types of water bodies because water is excellent conductor of electricity. ऐसे तो आप लोग सुनते होंगे कि water is bad conductor of electricity. It is, but that is pure water. Pure water is bad conductor of electricity, but the water that is in river, ponds or that we all are using, it is bad. It is good conductor of electricity because it contains many salts in it. Open vehicles like scooter, motorbike, tractor, these are not safe place to be there. Now quickly come down from elevated places. कहीं अगर ऊंचाई पे आप हो तो वहाँ से आप नीचे आ जाइए, है ना? And take shelter under the building or go inside the house. If you are in forest, take shelter under the lowest tree. Appear as small as you can by crouching on your knees on the ground. और ऐसे thunder lightning वाले जगह पर कहीं अगर open area में आप रह गए हैं, कोई shelter नहीं मिल पा रहा है, तो खुद को बिल्कुल छोटा कर लीजिए। जितना भी आप अपनी height को shortest कर सकते हैं उसे कर लीजिए and it will prevent you from lightning. Now indoor safety measures. यदि आप घर में हैं तो फिर क्या करें? Avoid using electrical appliances like television, air conditioner, computer, etc. ये सारी चीज़ों को avoid कर लीजिए, off कर दीजिए. Do not take bath or shower during storm. Storm के time में नहाने या shower लेने की कोशिश ना करिए because water is good conductor of electricity. Lightning can strike telephone cords, electrical wires and metal pipes. So कोई भी मेटेलिक सामान है घर में या घर के बाहर तो डोंट टच इट, क्योंकि दे आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी कम टू यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। अभी तक हमने पढ़ा कि लाइटनिंग कितने तरह के डिस्ट्रक्शंस कर सकता है एंड हाउ डेंजरस इट इज़, बट इट ऑल्सो हैव सम यूजफुल इफेक्ट्स लाइक लाइटनिंग प्लीज a major role in regulation of nitrogen cycle in the nature because it fixes atmospheric nitrogen to the soil. The heat and light released during lightning helps in the combination of atmospheric nitrogen and oxygen to form oxides of nitrogen. So lightning ki wajah se nitrogen and oxygen they combine to each other and form soluble nitrites and fall on the ground and utilized by plants. Ozone layer in the atmosphere absorb harmful ultraviolet rays of the sunlight and protect the living organism from its harmful effect. Ozone layer जो atmosphere में है
at the top. It prevents ultraviolet rays of the sun to reach the earth's surface and thus prevent all organisms from its harmful effects. Electric discharge during lightning results in the formation of ozone layer. So children, it is also important because this lightning results in the formation of ozone layer. It is believed that lightning played an important role in the evolution of life on the earth. ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे जीवन शुरू होने के लिए लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है. ओके चिल्ड्रेन, टुडे ओनली दिस मच एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड.